दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मैं एनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता की तरफ से बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मैं एक नई किट बनी है जो कलकत्ते में काफ़ी अच्छा सेल है इसकी, और ये बहुत इकोनॉमिक प्राइस में बनाया गया है, नया स्टाइल से। ये आप देख सकते हैं, ये बीजेटी टाइम से देकर दो चार टाइम से देकर बनाया गया है। 200 वाट टोटल आ रहे, 100+ 100 200 वाट RMS एम्पलीफायर है। और ये इसमें खास बात है, इसकी क्वालिटी पंच वगैरह बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। बहुत सस्ती प्राइस में आपको मिलने वाली है किट। आप ये देख सकते हैं, ये इस पर बास्टेबल है। ये ड्राइवर सेक्शन यहाँ बनाया गया है, जो आम जो सर्किट होती है वो ड्राइवर सेक्शन है। इसमें खास हेर फेर किया गया है इक्वलाइजेशन में, थोड़ी सी बास्टेबल में LM324 IC देकर। तो ये IC ओपन IC है, क्वाट IC है। ये दो IC देकर बनाया गया है बास्टेबल, जो काफ़ी अच्छा पंच वगैरह अच्छा आता है। एक्चुअली ये इसमें LM324 है नहीं, ये RC4136 है, याद रखिएगा, नंबर है RC4136। ये बास्टेबल IC नंबर है। ये भी LM324 से क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, इसकी वजह से ये लगाए हैं। 4 ओपन IC है ये बास्टेबल, ये बूस्टिंग का काम कर रहा है, ये बफर का। और इसमें देख सकते हैं खास बात, इसकी जब आप इसको चलाएंगे, इसका मिड की क्वालिटी, बेस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पंच है। बेस बहुत अच्छी क्वालिटी है और इसकी प्राइस इकोनॉमिक रखा गया है जानबूझकर, कम दाम में लोगों को चाहिए, पसंद करते ज़्यादातर, तो ये बहुत सस्ते में बनाया गया है और बहुत अच्छी क्वालिटी की। आप देख सकते हैं, ये ड्राइवर है, कनेक्टर वगैरह दिए हुए हैं। ये कनेक्टर देखिए, ये सामने कोई भी कैबिनेट में F3 मॉडल में लगा सकते हैं, या F2 मॉडल आया है उसमें लगा सकते हैं। देखिए ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए क्या है, रखा गया अलग से, बैलेंस अलग से। और जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट में बेस्टेबल आराम से आपका आ जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगी आपको, सिर्फ बैलेंस आप वॉल्यूम के लिए आपको यह लगाना पड़ेगा। और बहुत अच्छा क्वालिटी का है, ये परेशानी नहीं होगी आपको। और ब्रिज 85 10 एम्पियर का दिया गया है, ये आप इसमें 30 दीजिए, कॉपर वाले कटासवा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। और यहाँ पे देखिए, अगर USB लगाना चाहते हैं, बहुत जन ज़्यादातर लोग अभी USB लगाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ 5 वोल्ट का आउटपुट निकाल के रखे हैं। और स्पीकर के लिए देखिए, ये लेफ्ट राइट है, ये स्पीकर के लिए लेफ्ट राइट रखा गया है। और यहाँ पे देखिए, फैन के लिए 12 वोल्ट, और USB के लिए सब इनपुट यहाँ निकला हुआ है, USB के लिए इनपुट जाने के लिए दिखा हुआ है, और USB के लिए 5 वोल्ट यहाँ से है। ओके, ये आपका रहा कंप्लीट एम्पलीफायर, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। और इसमें कंपोनेंट्स वगैरह सारे आप देखेंगे कैल्टोन के लगे हुए हैं, पॉलिस्टर भी अच्छी कंपनी की लगी हुई है, कोई भी इसमें सामान कम दाम के नहीं लगाए हैं, मगर प्राइस काफ़ी कम दाम रखा गया है। आप इस साइड से देख सकते हैं अच्छे से, कैल्टोन की कैपेसिटर है जो 4700 mAh 50 वोल्ट है। इसमें आप 30 ट्रांसफार्मर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 5 एम्पियर कॉपर। आप ये ड्राइवर सेक्शन है जो कॉमन सा है, सब एक जैसे ही है। जो फ़र्क है, बास्टेबल प्री एम्पलीफायर इक्वलाइजेशन में यहाँ फ़र्क है, इसकी वजह से क्वालिटी बहुत चेंजेस हो जाती है। और हीट सिंक वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा हीट सिंक है, ये फिन टाइप का हीट सिंक लगाया गया है, जो कि बॉडी में आप आराम से इसे लगा सकते हैं। और इसके पीछे साइड में भी आप देख लीजिए, ये ग्राउंड के लिए रखा गया है, ध्यान रखिएगा ग्राउंड का, ग्राउंड बहुत ज़रूरी है, आप इसे ग्राउंड जरूर दें, ग्राउंड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस पर क्या कोई हार्म वगैरह, आपकी हमिंग जो होती है वॉल्यूम बंद करने के बाद भी, तो वो आपको नहीं मिलेगा। हमिंग मारने के लिए ये इसको ग्राउंड बहुत ज़रूरी है, और सॉलिड अच्छे से ग्राउंड करें आप इसको, ध्यान से इसकी सोल्डिंग बहुत अच्छी से होनी चाहिए ग्राउंड की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत USB के लिए एक छोटे 2225 कैपेसिटर देकर बनाया गया है सारे, और मेन कैपेसिटर 4750 वगैरह है। और यहाँ पे रिकॉर्ड बास्टेबल के लिए BD सप्लाई दिया गया है। आप देख सकते हैं, नया तरह का बनाया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी में, कलकत्ते का है, और इसे ले बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिलेगी। ओके, इसके वायर वगैरह सब इसके साथ मिलेंगे आपको, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और कमेंट्स में आप लोग रेट बोलते हैं कि रेट बोलते क्यों नहीं। मैं आपको अगर रेट बता दूं तो रेट में क्या मसला होता है कि रेट अप डाउन होते रहता है। टाइंसर का वगैरह आप जानते हैं, 5200 BJT टाइंसर, उसकी प्राइस फिक्स नहीं होती है,
वो अप डाउन होती रहती है, इसलिए मैं एक रेट नहीं बताता हूँ। हम आज चाहता हूँ आप रेट अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप मैसेज दीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको रेट बता दूंगा। रेट एवरी डे चेंज होता है पार्ट्स का, इसके वजह से आपसे जो गुजारिश है मैं रेट नहीं बताता हूँ, आप व्हाट्सअप कर ले, मैं आपको उस दिन का रेट जो है बता दूंगा। ओके, और मेरे चैनल को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय।